नमस्कार, मैं हूं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरों की ओर। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, पूरे देश में उत्साह से मनाया जा रहा है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि देशवासियों को विजयादशमी की असीम शुभकामनाएं। माँ दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें अधिकांश खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ मैच में शामिल रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में टीम 16 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 3 टेस्ट मैच खेलेगी। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग और व्यापार का दुरुपयोग करने वाला कहने के बाद रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अगले महीने राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर भारत के खिलाफ पारस्परिक टैक्स लगाने की कसम खाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ के मामले में अमेरिका उदार है, लेकिन चीन, ब्राजील और भारत जैसे देश हाई टैरिफ लगाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। सरकार ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ चेतावनी दी है, जिसमें फर्जी मेल और ऑफर्स की बात की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल लेटर में एलपीजी एजेंसी खोलने का दावा किया गया है, जिसे पीआईबी ने फर्जी बताया है। एचपीसीएल की ओर से कोई ऐसा अप्रूवल नहीं दिया गया है। लोगों से सतर्क रहने और आधिकारिक वेबसाइटों पर जानकारी चेक करने को कहा गया है। विजयादशमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी गोरखपुर में गोरखनाथ मठ में पहुंचे हुए पारंपरिक वेशभूषा में धारण किए हुए थे। उनकी गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में गुरु गोरखनाथ की आरती करते हुए वीडियो दिख रहा है। दशहरे को लेकर भक्तों में हर्षोल्लास देखा गया। यूपी लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की पीसीएस प्रीलिम्स 2024 परीक्षा अब 7 और 8 दिसंबर को आयोजित होने की संभावना है, जबकि पहले यह 27 और 28 अक्टूबर को निर्धारित थी। परीक्षा केंद्रों की कमी के कारण तारीखों में बदलाव हो सकता है। आयोग ने जिलाधिकारियों से सहमति प्राप्त करने के लिए पत्र भेजा है और अगले हफ्ते बैठक में तारीख की पुष्टि की जाएगी। विजयादशमी पर कांग्रेस के नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक बताया। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने भी इस पर्व को न्याय, मित्रता और अच्छाई की भावना से जोड़ा। सभी ने बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया। विजयादशमी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में शस्त्र पूजन किया और बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया। उन्होंने चेतावनी दी कि कट्टरपंथी प्रवृत्तियों के चलते अल्पसंख्यकों का खतरा बढ़ रहा है। भागवत ने हिंदुओं को एकजुट होने और अपनी रक्षा के लिए सशक्त बनने की आवश्यकता पर जोर दिया। दरभंगा बागमती एक्सप्रेस शुक्रवार की देर रात तमिलनाडु में एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे 12 डिब्बे बेपटरी हो गए और 19 लोग घायल हुए। रात भर राहत अभियान जारी रहा। इसके बाद यात्रियों के लिए एक विशेष ट्रेन दरभंगा के लिए रवाना हुई। कई अन्य ट्रेनों के रूट भी इस घटना के कारण डाइवर्ट किए गए हैं। घर से निकलने से पहले ट्रेन की जानकारी अवश्य ले लें। आज विजयादशमी के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जवानों के साथ त्यौहार मनाने पहुंचे। उन्होंने सुकना कैंट में अस्त्र शस्त्र की पूजा की और जवानों को शुभकामनाएं दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और भारत की सांस्कृतिक परंपरा में शस्त्रों की पूजा का महत्व है। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को जामनगर राजघराने का अगला उत्तराधिकारी चुना गया है। जाम साहब शत्रु शल्य सिंह ने दशहरे के दिन इसकी ऐतिहासिक घोषणा की। जडेजा ने हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उनका संबंध जडेजा वंश से है, जो 1540 में स्थापित हुआ था। बारिश का मौसम समाप्त होने वाला है और ठंड का आगमन हो रहा है। भारत मौसम विभाग ने ला नीना के प्रभाव से इस वर्ष अधिक ठंड की संभावना जताई है। उत्तरी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ठंड की अवधि भी अधिक रहने की संभावना है। भारतीय रेलवे ने दिवाली से पहले 30 से ज़्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया है। गोरखपुर गोंडा रेल डिवीज़न में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और तीसरी लाइन के काम के कारण यह कदम उठाया गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले कैंसिल हुई ट्रेनों की सूची चेक करने की सलाह दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम शाम 5:30 बजे शुरू हुआ। विजयादशमी पर राष्ट्रपति ने इसे अन्याय पर न्याय की जीत का पर्व बताया, जबकि पीएम मोदी ने न्याय के प्रति संकल्प लेने की अपील की। सुरक्षा के मद्देनजर विशेष प्रबंध किए गए।
संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठक में महिलाओं और लड़कियों के समान अधिकारों पर जोर दिया गया। अध्यक्ष बॉब राय ने युवाओं से परिवर्तन की आवाज़ बनने का आग्रह किया। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने चेतावनी दी कि 1.1 अरब लड़कियां वैश्विक संकटों से प्रभावित हैं, जिससे उनके भविष्य पर संकट उत्पन्न हो रहा है। शिक्षा और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जो लड़कियों के विकास को बाधित कर रहे हैं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले धोनी ने हाल ही में नया लुक अपनाया है, जिसमें उन्होंने अपने बालों का रंग बदला है और हरे चश्मे में नजर आए हैं। धोनी इन फोटोज में गजब लग रहे हैं। फ्रेंचाइजी ने इसको कैप्शन दिया है, एक्सट्रीम कूल। जोसेफ गॉर्डन लेविट हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हाल ही में भारत आए हुए और आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह फिल्म उन्हें भारतीय सिनेमा के प्रति और अधिक उत्सुक बनाती है। जोसेफ ने इसे मार्टिन स्कॉर्सेसी की फिल्मों जैसा बताया है और अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह भारत में फिल्म बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने 17 अक्टूबर तक रावलपिंडी में धारा 144 लागू की है, जिसका उद्देश्य शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इस प्रतिबंध के तहत राजनीतिक सभाएं, धरने और रैलियां आयोजित नहीं की जा सकेंगी। GOTV के अनुसार 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठक होगी। इमरान खान की पार्टी ने भी 15 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। CJI DY चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि न्यायाधीश संवैधानिक जनादेश के बंधे होते हैं, भले ही वे निर्वाचित न हो। उन्होंने बताया कि न्यायपालिका का दायित्व न्याय संगत वितरण और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करना है। CJI ने कहा कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता के लिए जनता का विश्वास जरूरी है और लोक लुभावन निर्णयों से स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भरतपुर के पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का वचन दिया है। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान का अवलोकन किया और स्थानीय लोगों से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को पर्यटन स्थलों की जानकारी और लघु फिल्म बनाने के निर्देश दिए, साथ ही सड़कों के मरम्मत कार्य को समय पर पूरा करने की भी सलाह दी। मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की हार ने क्रिकेट जगत को झकझोर दिया है। शान मसूद की टीम ने पहली पारी में 500 से ज़्यादा रन बनाए, फिर भी पारी से हार गई। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने स्थिति को निराशाजनक बताते हुए टेस्ट क्रिकेट को छोड़ने की सलाह दी। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सुधार के कठोर कदम उठाने की अपील की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में ट्रेन दुर्घटनाओं को इतना सामान्य बना दिया गया है कि एक के बाद एक हो रही ट्रेन दुर्घटनाओं के बावजूद सरकार की तरफ से न तो कोई जवाबदेही तय की जा रही है, ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। देश के करोड़ों आम लोग भय और अव्यवस्था के पहियों पर चल रही ट्रेनों में जान हथेली पर लेकर सफर करने को मजबूर है। केरल के कोची जिले में एक दंपति की कार 16 फीट गहरे कुएं में गिर गई, लेकिन दोनों चमत्कारिक रूप से बच गए। हादसा एक गहरे गड्ढे के कारण हुआ। जब दंपति ने कार पर नियंत्रण खो दिया, वे गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे थे। कुएं में पानी कम होने के कारण उन्होंने सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने में सफलता पाई। उन्हें मामूली खरोचे आई है। दिल्ली सरकार ने कंजेक्शन टैक्स लागू करने की योजना बनाई है, ताकि वाहनों की भीड़ और प्रदूषण को कम किया जा सके। पीक आवर्स के दौरान 13 प्रमुख एंट्री पॉइंट्स पर वाहनों से टैक्स वसूला जाएगा, जो फास्टैग तकनीक से होगा। गैर प्रदूषणकारी वाहनों को छूट दी जाएगी और टैक्स से जुटाई गई राशि सार्वजनिक परिवहन और सड़कों में सुधार के लिए इस्तेमाल होगी। ऋषभ पंत के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ने फैंस में हलचल मचा दी। उन्होंने 2025 IPL नीलामी में अपना नाम देने की बात कही, जिससे चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वह दिल्ली कैपिटल्स छोड़ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, अगर मैं नीलामी में अपना नाम देता हूं, क्या मुझे कोई टीम खरीदेगी या बिना बिके रह जाऊंगा? अगर मेरी बोली लगती है तो नीलामी में मुझे कितने पैसे मिलेंगे? कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ बच्चन का 82वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। आमिर खान और जुनैद खान ने शो में सरप्राइज देकर बिग बी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आमिर ने अमिताभ के गाने जुम्मा चुम्मा दे दे पर डांस किया, जिससे अमिताभ भावुक हो गए। दर्शकों ने मिलकर हैप्पी बर्थडे गाया और बातचीत के दौरान अमिताभ ने अपने परिवार से जुड़ी यादें साझा की। बागमती एक्सप्रेस 12578 का हादसा तमिलनाडु के कावराई पेट्टई रेलवे स्टेशन पर हुआ, जिसमें पैसेंजर ट्रेन ने खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मारी। भारतीय रेलवे ने जानबूझकर हादसे की आशंका जताई है और जांच NIA को सौंपी गई है। हादसे में 19 से ज़्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।
शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, 16 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और चंद्रमा की रोशनी में भ्रमण करती हैं। विशेष पूजा और उपायों से भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है। कर्ज से मुक्ति और धन वृद्धि के लिए लक्ष्मी पूजा में खीर, सफ़ेद कौड़ियाँ और स्रोत का पाठ किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने दिव्यांग लोगों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली को सुगम बनाने के लिए बैंकों और गैर बैंकों भुगतान प्रदाताओं से अपने सिस्टम की समीक्षा करने का आग्रह किया है। RBI ने सुधारों के लिए 1 महीने का समय दिया है ताकि दिव्यांग लोग बिना किसी परेशानी के डिजिटल भुगतान का उपयोग कर सके। इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण के जोखिमों का आकलन भी अनिवार्य किया गया है। बांग्लादेश से हिंदुओं और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई है, विशेषकर दशहरा के अवसर पर। हाल ही में ढाका के ताती बाजार में पूजा मंडप पर हमला और सतखीरा के जोशेश्वरी काली मंदिर से चोरी की घटनाओं ने चिंता बढ़ाई है। इन घटनाओं के बाद 17 लोग गिरफ्तार और 12 मामले दर्ज किए गए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राम बाबूदास, नुन्नू गोलू कुमार, मुन्ना प्रसाद, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, सुकांत सरकार, रविशंकर, नौशाद रजा और जुबैर आलम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि IPL में आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए